हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा किचन। आज मैं एक और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे वेरी टेस्टी क्रिस्पी अनियन रिंग फ्राई की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार बड़े साइज के प्याज को अच्छी तरह से फ्रेंड्स हमें छील के धो लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सारा स्टेप मैंने किया हुआ है ना फ्रेंड्स। इससे कट करेंगे, एक प्लेट लेंगे फ्रेंड्स। प्लेट में अनियन को एक एक करके फ्रेंड्स हमें कट करना है, गोल टाइप में फ्रेंड्स, मोटे फ्रेंड्स में पार्ट में कट करना है, क्योंकि हमें इसके रिंग निकालने हैं अनियन रिंग के लिए फ्राई के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मोटे मोटे साइज में कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया। नाउ फ्रेंड्स, हमें बीच का पार्ट ये छोटा निकाल देना है और फ्रेंड्स हमें बड़े बड़े अनियन रिंग को अलग करना है। आराम से फ्रेंड्स, इजली से अनियन रिंग फ्रेंड्स निकल जाते हैं, प्याज से रिंग अलग हो जाते हैं। इसी तरह सभी रिंग को अलग करके देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट में रख दिया है, आराम से निकल जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस टाइम पे फ्रेंड्स हमें 2-3 टेबल फ्रेंड्स स्पून हमें मैदे का ऊपर से डस्ट करना है कि क्रिस्पी फ्रेंड्स हमारे अनियन फ्राई हो, इसलिए हम ये स्टेप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, नाउ साइड में रखेंगे। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, बाउल में फ्रेंड्स हमें सबसे पहले हाफ फ्रेंड्स बाउल फ्रेंड्स मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है वो ऐड किया है घोल के लिए। हाफ बाउल फ्रेंड्स मैदा लिया है। नाउ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। देखिए फ्रेंड्स, मसाले लिए मैंने, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून और नमक 1/2 टेबल स्पून एंड लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डाल के डाल देंगे। अच्छी तरह फ्रेंड्स हमें मिक्स करना है। लहसुन अदरक का फ्रेंड्स हमें 1/2 टीस्पून पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छी तरह से फ्रेंड्स ड्राई को मसाले को हमें मिक्स करना है। देन फ्रेंड्स हमें पानी डालना है। लम्स फ्री फ्रेंड्स हमें बैटर रेडी करना है, घोल तैयार करना है। इसमें फ्रेंड्स लम्स नहीं होने चाहिए, तभी फ्रेंड्स हमारी क्रिस्पी फ्राई रेडी होंगे, अनियन फ्राई। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेप मैंने कर लिया, साइड में रखेंगे। कोटिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्रेड क्रम्स को फ्रेंड्स जार में पीस लिया है, ब्रेड्स को पीसेस को। तो फ्रेंड्स हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स क्या प्रोसेस करना मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स फोक लेंगे, फोक की हेल्प से अनियन रिंग को डालेंगे बैटर में जो हमने घोल तैयार किया मैदे का डाल के। एक्स्ट्रा फ्रेंड्स घोल हमें निकाल देना है। फ्रेंड्स स्पून की हेल्प से आराम से फ्रेंड्स स्टेप होता है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने फोक लिया है ना। फ्रेंड्स ब्रेड क्रम्स में एक एक करके रिंग को डाल के कोट करेंगे, अच्छी तरह से हमें कोट करना है। इसी तरह से भी अनियन को कोट करके रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स हमें ये करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोट करके रेडी कर लिया है। नाउ इसे हाई फ्लेम पे क्रिस्पी फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने तेल गरम होने रखा और रिफाइंड तेल, तेल गरम हो चुका है। तो चलिए एक एक करके डालते हैं और क्रिस्पी अनियन को फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे अनियन रिंग फ्राई हो रहे हैं हाई फ्लेम फ्रेंड्स, हमें क्रिस्पी फ्राई करना है। आप ही रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे अनियन रिंग फ्राई हो रहे हैं। देखिए साइड को चेंज करेंगे फोक की हेल्प से आराम से। देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया, यानी हमारे अनियन रिंग फ्राई हो गए। तो फिर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेटिंग कर दी, हमारे क्रिस्पी अनियन रिंग फ्राई रेडी हो गए हैं विथ टमाटो केचप के साथ। आप भी रेसिपी जो ट्राई कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।